तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये बात अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अपशब्द में मुझे कहा जा रहा है, आलोचना की जा रही है, मेरे ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है एक तरीके से आपको। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। मैं आचार्य विशाल शर्मा ज्योतिष ज्ञानी YouTube चैनल, ज्योतिष ज्ञानी Instagram पेज और आचार्य विशाल शर्मा Facebook पेज, ये तीनों ही पेजेस पे मैं अपने ज्योतिष के वीडियो, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और ज्योतिष के कई नए उपाय लेकर और कई ऐसी रोचक बातें लेकर उपस्थित होता हूँ। मैं डेली ही ऐसे तरह के वीडियो डालता हूँ, रील्स डालता हूँ। कुछ समय से मैंने रील्स पर फोकस करना स्टार्ट किया, मैंने रील्स के वीडियोस बनाना शुरू किया और रील के वीडियो मैंने धीरे धीरे करके एक दिन में दो तीन ऐसे करके मैं डालता रहा। फिर मैंने कुछ समय से रील पे ज्यादा फोकस करना चालू कर दिया। मैंने सोचा कि ज्यादा व्यक्ति जो इस समय की यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो ज्योतिष के वीडियो शॉर्ट वीडियो में भी देखना पसंद कर रहे हैं, तो मैंने ज्योतिष के छोटे छोटे वीडियो बना के डेली में पोस्ट करता रहा। तो ये मैं एक महीने हो गए मुझे लगातार मैं पोस्ट करता रहा, तो एक महीने बाद ही, वैसे हम लोग डेली जो वीडियोस बना रहे हैं उसको बनाते तो 2 साल हो चुके हैं, जो लंबे वीडियोस रहते थे, पर उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, ज्यादातर 100K के ऊपर ही व्यू गए। पर जो थे वीडियोस रील्स पे, हमने देखा कि रील पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे, तो हमें लगा कि ये लोग ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन पर समय का बहुत अभाव रह गया। आज की जो जमाना है, आज का जो समय है, उसमें समय का बहुत अभाव है। लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, उस तरीके से देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को भी स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से वो जिंदगी को चाहते हैं। तो लंबे वीडियो पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लोग ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो बनाना स्टार्ट किए। तो 1-2 महीने से मैंने ये किया और डेली 1 महीने से मैं रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ। तो 1 महीने के अभी कुछ 2-3 दिन पहले मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। मेरे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस, 2 या 3 वीडियोस है जो वायरल हो चुके हैं, जो कि 100K व्यू आ चुके हैं, किसी में 200K, मतलब 2 लाख लोग देख चुके हैं, इस प्रकार से लोग देख रहे हैं उसे। उसी प्रकार से मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, तो उस पर भी अच्छे खासे व्यू मुझे आने लग गए थे। फेसबुक पे भी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा था, उस पर भी मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा वायरल चले गया, जो कि 10 लाख लोग देख चुके थे। और अभी कुछ समय पहले, 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, मैंने 1 हफ्ते के पहले ही डाल दिया था, पर 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो था जिसपे मैंने अपने डॉग्स के बारे में, कुत्तों के बारे में लिखा था, टाइटल दिया था कि कुत्ते को अगर आप पालते हैं तो आप बन जाते हैं मालामाल, इस प्रकार का एक वीडियो बनाया था। और 2 दिन पहले ये वायरल हो गया, अच्छा खासा वायरल हो गया, अच्छा खासा 100K व्यू हो गए एक ही दिन में। फिर अगले दिन 300K व्यू होने लग गए, इसी प्रकार से वायरल होने लग गया, लाइक शेयर बहुत अच्छे मिलने लगे, कई ग्रुप्स फॉलो करने लगे, कई ग्रुप में शेयर होने लगा वीडियो, कई अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पेजेस में भी इसको शेयर किया जा रहा, स्टोरी में मेंशन किया जा रहा, मुझे हर प्रकार से वीडियो को डाला जा रहा। पर कुछ कल के दिन से कुछ नेगेटिव कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, कुछ नकारात्मक विचार अपने लोग उसमें डाल रहे हैं, कुछ अपशब्द भी कह रहे हैं, कुछ तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये बात अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अपशब्द में मुझे कहा जा रहा है, आलोचना की जा रही है, मेरे ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है एक तरीके से। आपको इस साइट में दिख रहे होंगे किस किस प्रकार के मुझे कमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। कई लोगों ने ऐसे अंधविश्वास कहा, किसी ने अपशब्द में मुझे कुछ कहा, इस प्रकार से लोग उस वीडियो का अपशब्द कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा, वो वीडियो आप भी इसे सुने, बाकी इसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगा। आप लोगों ने भी शायद अभी तक ये वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे किसी भी पेजेस में जाके आप उसे देख सकते हैं। बारे में लिखा गया है कि जो कुत्ते को मारता है उसकी संतानें उसको प्रताड़ित करती है।
श्राप देती है, उसको मारती, पीटती, उसको घर से निकाल देती है, उसकी संतान उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है, और इसके साथ कुत्ते पालने वाले लोग। तो इस प्रकार का मैंने वीडियो डाला है, मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इसमें कुछ लगा नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, अपशब्द कहने लगे, लोग कहने लगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा कई लोगों से ये प्रश्न है कि हम ज्योतिष में, हमारे गरुड़ पुराणों में, हमारे कई ग्रंथों में और हमारे कई कथावाचक, कई ज्योतिषी, हमारे सब ये लोग कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, कबूतर को दाने डालने चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ से इसमें अंधविश्वास जागृत हो गया? हमारे गरुड़ पुराणों में ये चीजें लिखी गई है। हम लोगों का कहते हैं कि भैया आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, हम उस धर्म से आते हैं, एक वो धर्म होता है, एक वो जनजाति के लोग होते हैं जो पशुओं को मार के खाना पसंद करते हैं। हमारे उंगली को कोई काट दे, उसमें नमक मिर्ची लगा दे, तो कैसे व्यक्ति खा सकता है? उस जानवर को लोग मार के काट के खाना पसंद करते हैं। हम उस सनातन धर्म से आते हैं जहां पर हम पहली रोटी, हमारे पहली रोटी, घर की पहली रोटी गाय को जाती है, कुत्ते को जाती है। सुबह उठ के हम सूर्य देव को अर्घ चढ़ाते हैं, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाने के बाद कबूतरों को दाना डालते हैं। हम पशुओं की सेवा करना ज्यादा पसंद करते हैं, हम सारे जितने भी सनातन धर्म वाले व्यक्ति, हम जब सवेरे उठते हैं, हम दूध लेने जाते भी है, तो दूध लेने जाते हैं तो अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता भी आ रहा था तो उसके लिए एक ब्रेड का पैकेट लेते हैं, उसको ब्रेड खिलाते हैं। मैं एक जगह गया हुआ था, मैं कहीं महाराष्ट्र की ट्रिप वगैरह पे गया था, वहां पर किसी पूजा के कारण नासिक में गया था मैं, तो वहां पर एक व्यक्ति था, तो वो वहां पर था, तो वो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था, पर उसने टीका लगाया हुआ था, चाहे वो धूम्रपान कर रहा था, पर उसके हाथ में एक कलावा था और उसके माथे पर टीका था। उसके पास एक कुत्ता आया तो उसने उसके लिए बिस्किट लिया और उसको खिलाया। तो आप ये बताइए, वो व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे धूम्रपान कर रहा, पर उसके सामने एक पशु आया तो उसने पशु की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म समझा, उसको खिलाया। जब भी हमारे सामने कोई रात में जब कुत्ता जब भौंकता है, रोने लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गार्ड को फोन लगा के बोलते हैं कि भैया वो कुत्ता भौंक रहा है, उसको चुप कराइए। कभी कोई उसके लिए रोटी लेके नहीं जाता है। अगर हमारे धर्म में, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा ज्योतिष जो है एक अंधविश्वास है, चलिए हम मान लेते हैं, पर जब हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, चाहे वो किसी वृद्ध इंसान को हो, किसी जानवर को हो, किसी इंसान को, जब हम रोटी खिलाते हैं, तो जिसे किसी इंसान को हम रोटी खिला रहे हैं, तो वो क्या कहता है? सबसे पहले जब हम रोटी उसको खिला देते हैं, कुछ भी हम उपहार देते हैं या कुछ भी उसे खिला देते हैं, तो दोनों हाथ ऊपर करके वो आपको आशीर्वाद देता है, कहता है कि भगवान आपका भला करे बेटा, तरक्की करो। अब ये सोचो, उनका आशीर्वाद प्राप्त, जब हम एक जानवर को कह रहे, तो क्या जानवर हमें प्यार नहीं करता? हम जानवर भी हमें प्यार करता है, जानवर भी अपने दिल से हमें दुआएं देता है, उसकी बदुआएं नहीं देती, दुआएं मिलती हैं। किसी भूखे को हम रोटी खिलाएंगे तो बदुआएं नहीं कमा रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं। तो अगर हम उसको रोटी खिला रहे हैं तो इसमें लोगों को क्या तकलीफ है? मुझे कई नेगेटिव कमेंट्स, कई नकारात्मक विचार, कई लोग अपशब्द कह रहे हैं। शनिदेव का प्रिय रंग होता है काला, काला कुत्ता पालने से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहती है, शत्रु विनाशक होता है, शत्रुओं को आपसे घर से दूर करती है। और गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गया है, कुत्ते को मारने से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, हमें खुद यमराज दंड देते, क्योंकि जो हमारे भैरव बाबा रहते हैं उनका ये सेवक है, उनकी ये सवारी है, जब उनने खुद स्वीकार किया है इसे, तो हम उसे अगर दंडित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, उसको लात मारेंगे, उसको भगाएंगे, तो हमें क्यों हमें भगवान माफ करेंगे? तो मैं ये कई सारे कमेंट्स जो मुझे आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहूंगा, क्या ये सही है? चलिए हम ज्योतिष को मान लेते हैं अंधविश्वास, अपन हम सब लोग यही तो कह रहे हैं कि किसी पशु को, गाय को रोटी खिलाओ, किसी डॉग को रोटी खिलाओ, स्ट्रीट डॉग को पालो, कुत्तों को पालो, पशुओं को खिलाओ, तो इसमें क्या बुराई है? क्या इसमें गलत चीज कह दी किसी भी इंसान ने? हम उस सनातन धर्म से आते हैं जहां पर पशुओं की सेवा कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें ये हमारे देश में रहने वाले कुछ व्यक्ति इसे अंधविश्वास कहने लग गए, ये काला कुत्ता। कई लोग आपने कमेंट पढ़े होंगे, कई लोग कह रहे हैं कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता हमारी रोटी लेके, वो हमारी चेन लेके भग गया, हमारे जूता लेके भग गया, तो क्या होगा? ये कैसी बात है? आप उसे एक रोटी खिला दोगे तो आपका क्या चले जाएगा? तो आज मेरा आप सभी लोगों से, आप लोगों को मुझे सहयोग चाहिए, आप लोगों को समर्थन चाहिए, कि आप ये सब पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे किस किस प्रकार के बातें कही जा रही है, अपशब्द कहे जा रहा है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में पशुओं की सेवा सबसे बड़ा धर्म माना गया है मेरे हिसाब से।
हमारे ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है हमारे नवग्रह को शांत करने के लिए हमें कुत्ता पालना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। शत्रु भारत शत्रुओं को नष्ट करने के लिए काला कुत्ता आपको अवश्य रूप से पालना चाहिए। शनि राहु केतु इन सब के जितने भी नकारात्मक परिणाम को दूर करना चाहते हैं उन्हें कुत्ता पालना चाहिए। आप लोगों की क्या समर्थन है, आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा और मेरा समर्थन अवश्य रूप से कहिएगा। आप लोगों का मुझे समर्थन चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, इसे लाइक करें, लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैला दीजिए, जिससे हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये चीजें लिखी गई है कि जब गरुड़ पुराणों में लिखा हुआ है, कथावाचक कह रहे हैं श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र के शास्त्री कह रहे हैं, हमारे सारे कथावाचक धर्म प्रचारक ही लोग कहते हैं गायों को रोटी देना चाहिए, कुत्तों को रोटी देना चाहिए, पशुओं को जितना हो सके अन्न खिलाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को समझना चाहिए स्ट्रीट डॉग्स को जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, मैं कई वीडियोस देखता हूं। अगर हम मान लेते हैं हम ये ज्योतिष नहीं है, हम किसी को अगर रोटी खिला रहे हैं तो क्या हम पुण्य कमा नहीं रहे हैं? हम किसी जानवर को हम रोटी खिला रहे हैं तो क्या पुण्य नहीं कमा रहे हैं? चलिए हमें ज्योतिष शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, हम उस कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, हमें समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम उस कुत्ते को पाल रहे हैं, हम एक कुत्ता भी अडॉप्ट करते हैं। मैं सबसे लोगों से ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग कुत्ता खरीदे नहीं, डॉग को खरीदे नहीं, स्ट्रीट डॉग को पाले, अडॉप्ट करें, उन लोगों को भी आप अच्छा प्यार दें, उनका समर्थन करें, उन्हें अच्छे से रखें, वो लोग आपके लिए पूर्ण रूप से वफादार रहेंगे। आजकल के टाइम में ये हो गया कि गाड़ी बुलवाते हैं कुत्ते को लेके जाओ यहाँ से, कुत्ते को मारपीट के लेके जाते हैं, वहां बंद कर देते हैं। भाई वो क्या कर रहा है आपके घर में? एक रोटी ही तो मांगने आता है और चले जाता है, आपको और क्या परेशान करता है वो? और किसी भी जानवर को रोटी खिलाने से पुण्य ही मिलता है हमें। चलिए मान लीजिए आप ज्योतिष के कोई ये उपायों को नहीं मानते, पर हम रोटी खिला के पुण्य तो कमा रहे हैं हम अपने लिए। हम एक रोटी खिलाने से हमें खुशी नहीं मिलेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप किसी भी जानवर की मदद करना चाहते हैं, किसी भी करना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में भी इसके बारे में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है, और पशुओं की सेवा सबसे बड़ा धर्म माना गया है, किसी को भी भूखे को रोटी खिलाना सबसे बड़ा हमारा धर्म है। मैं सभी लोगों से, आप लोग इसको सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग फैलाएं और मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा समर्थन कीजिए, क्योंकि कई मुझे नकारात्मक कमेंट्स आ रहे हैं, कई बुरे कमेंट्स आ रहे हैं, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आप लोगों का सहयोग का मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर ऐसे ही मुझे कमेंट्स आते रहे तो शायद मैं आगे वीडियोस ना बनाऊं, क्योंकि मुझे आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करके जाइएगा और अधिक से अधिक लोग तो फैला दीजिएगा, यही मेरे आपसे विनम्र निवेदन है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।